और गाइज मैं आपको इस व्लॉग में अपना बचपन का स्कूल भी दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोगों ने प्ले ग्रुप से पढ़ा है। हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपने गांव की डेंजरस किस्म की सड़कें दिखाऊंगा, बहुत डेंजरस किस्म की सड़कें वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस व्लॉग में। और गाइज मैंने आपको अपने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि हमारे गाँव की जो सड़कें होती हैं काफ़ी डेंजरस किस्म की होती हैं, तो और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो चुकी हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं, तो आप लोग देख लेना आज के इस व्लॉग में। बाय द वे गाइस ये जो मैं इंट्रो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ ये मैं गांव से शहर में आने के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने इंट्रो ही शूट नहीं किया। तो गाइस आप लोग देखो मेरे गाँव की डेंजरस किस्म की सड़कें और मैं आपसे मिलता हूँ व्लॉग के बाद। तो गाइस अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस साइड पर हमारे गाँव की इस तरफ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वाली जगह, यहाँ पे धूप है और हमारे गांव के बिल्कुल सामने जो हमारा दूसरा गांव है ये वाला, यहाँ पे अभी धूप नहीं गई, यहाँ पे अंधेरा टाइप का अभी, तो वहाँ पे धूप बहुत लेट लगती है। यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे धूप है इस टाइम पे, तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। और गाइस ये सड़क जा रही है ये वाली, ये सड़क है हमारे गाँव की और अभी मुझे यहाँ से ट्रैवल करके ये वाली सड़क है बिल्कुल ये जा रही है और यहाँ से ट्रैवल करके मुझे यहाँ पर जाना है, इस टाइम पर यहाँ पर जाना है, यहाँ से मुझे मिलेगी गाड़ी और यहाँ से गाड़ी हमें लेके जाती है यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे है हमारा गांव इस जगह पे, तो इतना ट्रैवल करना भी मुझे पैदल, तो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का आ रहा है। और गाइस ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ से, यहाँ इस जगह पे घास है और इस जगह पे घास नहीं है, यहाँ से लोगों ने घास काट लिया हुआ है और ये भी पूरा घास लोग काट लेंगे, तो इस तरह से यहाँ से ग्रीनरी ख़त्म होती जाती है। और ये भी आप लोग ग्रीनरी देख रहे हो ये भी घास है और ये भी लोग काट लेंगे भी। और गाइस मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे गांव की जो सड़कें होती हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस किस्म की होती हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो चुकी हैं, तो वो मैं आपको अपने गांव की सड़कें दिखाता हूँ किस तरह से डेंजरस हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये भी काफ़ी डेंजरस सड़क है, यहाँ से आदमी खुद गुजरता है वो भी इतना डरता है, तो गाड़ी तो गाड़ी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने गाँव की सड़कें। गाइज अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कितनी डेंजरस है, यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सड़क है और यहाँ से नीचे ये वाला एरिया आता है, कितना डेंजरस है। और जो गाड़ी के टायर होते हैं ना वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से नीचे ये पूरी स्लोप आती है, यहाँ से नीचे वो नीचे तक जाती है, ये पूरा स्लोप पूरी स्लोप है, बिल्कुल चढ़ाई है यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। और गाइस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए भी हैं और काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हुई हैं और आप लोग देख सकते हो कितनी डेंजरस सड़कें हैं। और गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हुकूमत होती है वो पैसा नहीं देती, पैसा ज़रूर देती है, लेकिन जो यहाँ के बड़े लोग हैं जिनको पैसा यहाँ पे मिलता है तो वो लोग पैसा खा लेते हैं, आवाम के लिए कुछ करते हैं नहीं है, तो अगर वो पैसा पूरा यहाँ पर लग जाए तो हमारी सड़कें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आवाम जो होती है वो पैसे खुद खा लेती है, तो इस वजह से यहाँ की जो सड़कें वो इस तरह की हैं। मैं अभी आपको और दिखाता हूँ, बाय द वे गांव का व्यू काफ़ी प्यारा हो रहा है, मैंने आपको दिखाया भी है क्योंकि रात को यहाँ पे बारिश हुई है ना, बारिश के बाद जो गंद वगैरह होती है, जो धूल वगैरह पड़ी होती है वो साफ़ हो जाती है बिल्कुल, तो उस वजह से गाँव का व्यू और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तो गाइस ये जगह देखो, यहाँ से गाड़ी का टायर आता है और यहाँ से नीचे स्लोप स्टार्ट हो जाती है, वो नीचे तक जाती है। और ये जो जगह है यहाँ पे, यहाँ से लोग घास भी काटते हैं, कितनी डेंजरस जगह आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लोग लिटरली यहाँ से लोग घास भी काटते हैं, यहाँ से काटा हुआ है ये आप देख सकते हो कितनी डेंजरस जगह है। और गाइस जो गांव की रूटीन होती है वो शहरों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, यहाँ के लोग सुबह नमाज के बाद ही उठ जाते हैं और अपने काम स्टार्ट कर देते हैं, और क्योंकि आजकल घास कटाई का मौसम है ना हमारे गांव में, तो लोग सुबह फजर के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ के निकल जाते हैं नाश्ता करके घास कटाई करने के लिए, और सुबह सुबह क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है और दिन को काफ़ी ज़्यादा धूप होती है इस वजह से। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, एक ये जगह गाइस यहाँ से आप देख सकते हो ये रोड आ रही है और यहाँ से नीचे कितनी डेंजरस जगह है, तो आप ये देख सकते हो, बाकी यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है।
गाइज़ आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये जो जगह मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी, ये पीचनासी है, यहाँ से नज़र आ रही है। तो ये व्यू है यहाँ से कुछ, और यहाँ से पीछे इंडिया आता है इधर से पीछे। और गाइज़ मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, और चलो जब तक ये साथ देती है तब तक मैं आपको दिखाता जाता हूँ। गाइज़ अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए तो हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा प्यारा है उस लिहाज से, और यहाँ पे हर कोई आना चाहेगा। लेकिन यहाँ की सड़कें देख के ना कोई भी नहीं आना चाहेगा, यहाँ पे इतनी डेंजरस सड़कें यहाँ की। अगर ये सड़कें थोड़ी सी खुली हो जाती हैं और यहाँ पे काम हो जाता है, पक्की हो जाती हैं, तो ये एक बहुत प्यारी जगह बन सकती है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई तवज्जो देता नहीं है। जो आवाम का पैसा यहाँ के लोगों को मिलता है वो लोग खा जाते हैं खुद, तो उस वजह से भी यहाँ पर कोई भी तरक्की नहीं हो पा रही। तो बट कोई नहीं, आस्ता आस्ता हो रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह घूमने के लिए, यहाँ जो आपको मैंने अपना गांव दिखाया था वहाँ से तकरीबन 2 घंटे ऊपर और जाओ तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी जगह आती है, वो मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तो वहाँ तक सड़क जाएगी अगर, तो टूरिस्ट भी बहुत आएंगे वहाँ पर। लेकिन आवाम अगर तरक्की का सोचे तो ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी। और गाइस जो हमारी आवाम है वो अल्लाह को इतना ज़्यादा कहीं और नहीं याद करते होंगे जितना यहाँ की गाड़ी में बैठ के याद करते हैं, यहाँ की सड़कों पे चलते हुए याद करते हैं, क्योंकि इतनी डेंजरस सड़कें होती हैं ना। तो औरतें और मर्द इतने कलमे पढ़ते हुए जाते हैं यहाँ से कि इतने कभी भी उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़े होते। और गाइस मैं आपको इस व्लॉग में अपना बचपन का स्कूल भी दिखाऊँगा जहाँ पर हम लोगों ने प्ले ग्रुप से पढ़ा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी रास्ते में आता है। तो अभी तकरीबन 5-10 मिनट और ट्रैवल करूँगा तो वो सामने आ जाएगा। तो गाइस अभी मैं वहाँ से आया हूँ, बिल्कुल सामने पार्क से यहाँ से आया हूँ, और वहाँ का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। और गाइस आपको ये जो घास दिख रहा है ये पूरा लोग काटेंगे, खुद काटते हैं अपने हाथों से, ये तो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन लोग काट लेते हैं, एक ही दिन में ये काट लेंगे पूरा। और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, आप लोग देख सकते हो यहाँ से इस जगह पर धूप है और यहाँ पर अंधेरा है इस टाइम पर, धूप नहीं लगी वहाँ पर। तो गाइस हमारे गाँव में 2 घर हैं, एक इस जगह पे है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ ऊपर है जहाँ से आज मैं आया हूँ ट्रैवल करके, वहाँ से ट्रैवल करके ये सड़क आपको नज़र आ रही होगी, तो यहाँ तक आया हूँ। 2 गांव हैं हमारे। तो गाइस ये रहा हमारा बचपन का स्कूल, अभी तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी तो नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इसकी ख़राब होगी, और अभी इसका काम भी स्टार्ट है। और ये है हमारा स्कूल, अभी अंदर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बंद होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं मेरी अभी। और यहाँ से इसका बोर्ड भी लगा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बोर्ड ये पढ़ा है गाइस, तार दिए शायद। तो कुछ इस तरह का स्कूल, हम लोग यहाँ पे खेला करते थे, ये हमारा ग्राउंड है और ये स्कूल की कैंटीन है। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। और गाइस अभी हमें जाना है यहाँ से, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ से सड़क जा रही है बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ से आगे सड़क जो होती है पक्की स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से आगे कच्ची सड़क है, और यहाँ से लेके बिल्कुल वहाँ तक जहाँ पे हमारा घर है यहाँ तक कच्ची सड़क है, जो आपको मैंने दिखाई कितनी डेंजरस थी। तो हमने यहाँ से जाना भी, यहाँ से बिल्कुल वहाँ से उतर के, या आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी ये सड़क, ये यहाँ से उतर के मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से जाना है, यहाँ पर जाना है। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे का ट्रैवल है यहाँ से। और गाइस गाड़ी तो बहुत लेट है, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल निकल जाऊँ, लेकिन हे गाइस अभी हो रहे हैं दिन के 11, और मैं गांव से सिटी में आ गया था, और रास्ते में मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इस वजह से मैं बाकी का ब्लॉग नहीं बना पाया। बट आज के ब्लॉग में मैंने कोशिश की है कि आपको अपने गांव की जो डेंजरस किस्म की सड़कें होती हैं वो दिखा सकूँ। इस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस अभी इस टाइम पर बहुत तेज़ धूप लग रही है मेरी आँखों में, तो मेरी आँखें सही से खुल नहीं पा रही, और मेरे पीछे हमजा बैठा है, वो क्रिकेट देख रहा है, कल कोई मैच था उसकी हाईलाइट देख रहा है, तो उसका भी शोर आ रहा है, इस चीज़ को इग्नोर करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरे व्लॉग्स देखते रहना,
अल्लाह हाफिज़।